लोकसभा चुनाव से पहले हल्द्वानी में कांग्रेस का बड़ा कुनबा, एक साथ दर्जनों लोगों ने थामा कांग्रेस का हाथ, कांग्रेसियों में छाई खुशी की लहर। बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे के कुनबों पर शंध मार रही हैं। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और चुनाव प्रचार 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी अपना कुनबा मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हल्द्वानी में आज नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने काला ढोंगी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी में बड़ी शंधमारी करते हुए भाजपा के नेता एवं काला ढोंगी क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी योगेश जोशी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। आज कुसुमखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में जाने माने समाज सेवी एवं बीजेपी नेता योगेश जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल समेत बड़ी संख्या में पार्टी के नेता, कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। योगेश जोशी के साथ बड़ी संख्या में आए हुए लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है। योगेश ने कहा, उन्होंने 2016 में किन्हीं कारणों से बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन अब उनकी घर वापसी हुई है। ऐसे में वह पूरी मजबूती के साथ है कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी को लोकसभा चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और काला ढोंगी क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करेंगे।